मोदी सरकार को देश की कमान संभाले 2 साल हो चुके हैं, देश के एक अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालते हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, जिनके पास है पर्यावरण मंत्रालय। आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ बदला है पिछले 2 सालों में। प्रकाश जी, थैंक यू वेरी मच अपना टाइम देने के लिए। ये बताइए, सरकार ने के 2 साल पूरे हो चुके हैं, आप जब यहाँ से पीछे मुड़ के देखते हैं तो क्या नज़र आता है आपको? नहीं, दो बातें निश्चित आती है कि एक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में एक चेतना जगाई। स्वच्छ भारत हो या बहुत सारे स्कीम हो, जहाँ जनसहभागिता अब प्रमुख मुद्दा बन गई है। दूसरा, उन्होंने हमें मंत्रियों को प्रेरणा दी है कि पूरे लगन से काम करो कि देश की तस्वीर बदल दी है, लोगों के सहयोग से बदलनी है। और इसलिए हमने पर्यावरण मंत्रालय की जो समस्या देखी, तो जंगल की स्थिति अच्छी करनी है, ये पहला काम है, तो जंगल बढ़े। मुझे सबसे अच्छा लगा कि 2 साल में 100 किलोमीटर का मैंग्रोव्स भी बढ़ा, तो ये बहुत समुद्र के पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रदूषण पर हमने नियम बदले, मानक और सख्त किए, जिससे पोल्यूशन कम होने लगा और सभी पोल्यूशन का बेटर मॉनिटरिंग शुरू हुआ है, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण हुआ है, जिस पर मॉनिटर मैकेनिज्म हमने टेक्नोलॉजी के सहायता से लगाया। अब चेक हो रहा है, हर पल पल की पोल्यूशन की खबर आती है, तो वो एक दूसरा काम है। तीसरा काम है जो पर्यावरण की मंजूरी जो देने की काम होता है, वो एक पारदर्शी प्रक्रिया से होना चाहिए। तो पहले जिसको काम को 600 दिन लगते थे, अब 190 दिन लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमने प्रक्रिया पारदर्शी की, तंत्रज्ञान का सहायता ली। उसमें हमने और एक काम किया कि क्या बोलते हैं, नीतिगत निर्णय लिए, उसके साथ साथ मानकीकरण किया, प्रमाणीकरण किया और विकेंद्रीकरण किया। इन चारों कारणों से हमारी प्रक्रियाएं चुस्त हुई। और चौथा महत्वपूर्ण, विश्व सम्मेलन हुआ पेरिस में, जिसमें नई रचना पर्यावरण की दुनिया की तैयार हुई और उसमें भारत और विकासशील देशों के हितों की हमने रक्षा की, सफलता पाई। पहले 600 दिन लगते थे, आपकी आप आए जब मंत्रालय में, 190 दिन हो गया, लेकिन अभी भी इसको इंटरनेशनल एरिना में अगर हम देखें तो ये इसको एक पुअर स्टैंडर्ड माना जाता नहीं, हम तो 100 दिन का स्टैंडर्ड हमने मन में रखा है और 100 दिन को अचीव करेंगे हम आने वाले एक साल भर में। मोदी सरकार की जब से आई है तब से GDP जो है वो 7% से ऊपर अब जा रहा है, तो आपको क्या लगता है आपके मंत्रालय का इसमें कैसे योगदान रहा है? नहीं, निश्चित रूप से GDP के योगदान बहुत सारे होता है। तो ये मैंने जो हमने जो निर्णय की प्रक्रिया, उसके कारण 10 लाख करोड़ का निवेश जो अटकता था दो साल, वो अब अगर 6 महीने में हो रहा है तो 1.5 साल का फायदा मिल गया उनको, तो निवेश भी 10 लाख करोड़ का मुक्त हो गया और 10 लाख की रोजगार की संभावनाएं भी तैयार हुई। अच्छा, ऑनलाइन मॉनिटरिंग को अभी आप लोगों ने शुरू किया है, जो जितने भी प्रदूषण केंद्र हैं वहाँ पे आप लोगों ने ऑनलाइन मॉनिटरिंग शुरू की है, लेकिन कोर्ट ऑनलाइन मॉनिटरिंग के एविडेंस को अभी मान्यता नहीं दे रही है। ऐसा नहीं है, दो मुद्दे है। जहाँ हमें अभी हमने क्या किया है, हर एक उद्योग जो प्रदूषण करता है हवा में, उसको चिमनी पर लगाया है मशीन, और जहाँ पानी में प्रदूषण होता है वहाँ पानी पर लगाया है मशीन। तो पानी जो लगता है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और ये अगर 15 मिनट भी किसी मानक से अगर ज़्यादा प्रदूषण करता है हवा में या पानी में, तो तुरंत हमें खबर मिलती है। अब हमारी टीमें जाती है, एविडेंस कलेक्ट करती है, तुरंत तफ्तीश होती है और उनमें कैसे सुधार हो, ये भी हम एक एक फैक्ट्री के साथ बात कर रहे हैं ताकि सुधरे। सजा देना ये मुख्य उद्देश्य नहीं है, मुख्य उद्देश्य सुधार करना है, और सुधार नहीं करेंगे तो सजा देना है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हुई है अभी तक? नहीं, होगी, अभी जल्दी होगी, क्योंकि उसके बारे में हमने 2 बार इश्तेहार दिए, 2 बार इंटरव्यूज हुए, लेकिन CPCB का चेयरमैन, जिसको विज्ञान का भी समझ हो और प्रदूषण का भी समझ हो और अनुभव हो, ऐसे लोग बहुत है अपने देश में, लेकिन वो ऐसे ऐसे उच्च पदों पर है कि वो उतने एक एडिशनल सेक्रेटरी के सैलरी में वो आने को तैयार नहीं होते हैं। तो इसके लिए हमने अब एक तय किया है और मुझे लगता है कि जल्दी सिलेक्शन होगा और CPCB को चेयरमैन मिलेगा। आपने प्लास्टिक मुक्त भारत के लिए मुहिम की, पुणे में भी आपने एक बहुत बड़ा
कैंपेन किया था, तो ऐसा हम इंडिया में क्यों नहीं बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक यूज़ करने की मुहिम को आगे बात करते हैं या इस तरह का कुछ हम नहीं, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक एक नई तंत्रज्ञान है, तो उसके बारे में हमने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, जिन्होंने भी ऐसी टेक्नोलॉजी लाई उनको वहाँ भेजा है कि उसको सर्टिफाई करेगी, क्योंकि हमें तो टेक्नोलॉजी का हमारे यहाँ कोई विशेषता नहीं है, यानी वो जो ज्ञान है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, वो बताएंगे कि ये सही टेक्नोलॉजी है, तो इसको प्रमोट करने के लिए नियमों में जो बदलाव करने होंगे वो हम करेंगे। अच्छा, आपने 2015 के CII समिट में आपने बोला था कि आप लोग कोई PPP मॉडल लेके आ रहे हैं फॉरेस्ट के लिए। फॉरेस्ट में PPP का मुद्दा दो तरह से है, एक 40,000 करोड़ की लकड़ी आज हम आयात करते हैं, यानी हमारी रोजगार संभावना खत्म होती है, क्यों ना ये लकड़ी यही निर्माण करे, कैसे करे, 3 करोड़ हेक्टर भूमि है जंगल की जो डिग्रेडेड है, उसमें अगर 200 हेक्टर का पैच है तो उसमें अगर कोई कारखाना वाला जो टिम्बर आज आयात करता है वो अपना टिम्बर यहाँ प्रोड्यूस करेगा तो अच्छी चीज़ है, उससे जंगल भी बढ़ेगा, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, आयात भी रुकेगी, परदेशी चलन की बचत भी होगी और उसमें बहुत फायदा होगा, तो यह हम करेंगे। तो इसका कोई टाइम फ्रेम या कब से शुरुआत किया जाएगा इस तरह का कुछ? टाइम फ्रेम इसकी ऐसा है, हमने गाइडलाइंस तैयार की है, राज्यों को भेजा है, ये राज्यों ने करना है, तो राज्य सरकारें, मुझे पूरा विश्वास है कि अगले साल से इसमें प्रक्रिया शुरू होगी और कुछ टेंडर और ये निकल के प्रक्रिया शुरू होगी पारदर्शी तरीके से। एक कैंपा बिल के ऊपर भी एक सवाल था, तो इसका प्रकाश जी कितना असर पड़ेगा कैंपा? इसका असर बहुत पड़ेगा, 10 साल जो वनीकरण के लिए पैसे जमा हुए वो वनीकरण के लिए नहीं लगे, वो जमा होते होते 42,000 करोड़ हो गए, वो अब हम राज्यों को देंगे और जब राज्यों को देंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये हो जाएगा। उसकी मॉनिटरिंग की भी कोई व्यवस्था रहेगी राज्यों को जो पैसा हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? मॉनिटरिंग की व्यवस्था रहेगी और मॉनिटरिंग की व्यवस्था बिल्कुल रहेगी, क्योंकि हर बार हम तो अभी कोऑर्डिनेट्स लेते हैं कि जहाँ वनीकरण होगा वहाँ वनीकरण कैसे सार्थक हो, वो पहले साल दूसरे साल 5 साल के बाद कैसे बढ़े, सचमुच 60-70% उसका सर्वाइवल रेट होना चाहिए, तो इसके लिए जो उपाय किए हैं वो भी किए हैं और उसका निगरानी भी हम आकाश से करेंगे, जमीन से भी करेंगे। अभी हम लोग कल पढ़ रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप का एक इंटरव्यू आया, उन्होंने बोला कि इफ ही कम्स टू द पावर ही विल ट्रैश द पेरिस एग्रीमेंट, और वो बोल रहे हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और हम इसको सिरे से खारिज कर देंगे पेरिस एग्रीमेंट। ऐसा है, मैं अभी कोई कमेंट, मैं मंत्री हूँ भारत सरकार का, तो अभी उनका इलेक्शन चल रहा है, तो इलेक्शन में कौन क्या बोलता है उस पर प्रतिक्रिया देना लाजमी नहीं है, इसलिए मैं नहीं दूंगा, लेकिन मेरा विश्वास है कि सभी देश, क्योंकि सभी देश जब करेंगे तभी उपयोग है, नहीं तो जलवायु परिवर्तन के निजात नहीं पाएंगे, और इसलिए सभी देश इसमें शामिल होंगे और सभी देश ये करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। प्रकाश जी, आपने अटल जी की सरकार को भी बहुत क्लोजली देखा है जब सरकार थी, इस सरकार के आप मंत्री भी हैं, तो दोनों सरकारों के कामकाज के तरीके में क्या डिफरेंस देखते हैं? नहीं, दोनों सरकारें कांग्रेस सरकारों से अलग है। उस समय सरकारों में कांग्रेस की और बाकी राज्यों जब सरकारें बनी तो एक विजन के साथ एक पूरा काम करने का ललक और राजनीतिक इच्छा मुझे बहुत बार कम दिखाई दी। इस बार है कि लोकतंत्र है, सब राज्यों का साथ लेकर काम करने का जनभावना, जनभागीदारी की बात है और विकास की एक निश्चित दृष्टि है, तो ये फर्क है भाजपा की सरकारें और अन्य सरकारों में। इस सरकार की एक सबसे बड़ी उपलब्धि आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है? स्वच्छ भारत का सपना मोदी जी ने जन जनता का 100 करोड़ लोगों का बना दिया, 125 करोड़ लोगों का, ये सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ, क्योंकि आने वाले 4 साल में देश स्वच्छ होगा, सुजलाम होगा, सुफलाम होगा, तो ये और कृषि सिंचाई और हर क्षेत्र में जिस तरह से बदलाव ला रहे वो बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली में ज़्यादा मन लगता है कि महाराष्ट्र में ज़्यादा? नहीं, मैं अब दिल्ली में आकर मेरे 13 साल हो गए, तो 13 साल मैंने बहुत मन से काम किया है और मुझे मन केंद्र की राजनीति में हमेशा लगा है और केंद्र सरकार में मंत्री होकर काम करने में एक नीतिगत निर्णय कर दिया, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स किए, मुझे बहुत आनंद आया। जो पोल्यूशन के बारे में हमने निर्णय लिए उसका आनंद आया। हमने जैसे सैंड माइन पॉलिसी पर निर्णय लिए, मुझे आनंद आया। जो वनों में हम सुधार करना चाहते हैं उसका भी, तो ये काम का आनंद है वो दिल्ली में मुझे ज़्यादा मिलता है, मैं इसलिए खुश हूँ दिल्ली में। एक आखिरी सवाल है कि अब 2 साल में ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें सरकार ने कर ही ली हैं,
तो अब अगले 3 सालों में क्या नहीं, बहुत करना बाकी है। देखो, शुरुआत की है, अब उसको नए ऊंचाई तक पहुंचाना है, जनता को सहभागिता देकर और जनता को उसके लाभ प्रत्यक्ष पहुंचे, अमल हो और कठिन नियम और कठिन कानून जो होते हैं उसका अमल करना अपने देश में नहीं है, वो अमल करना, ये कंप्लायंस इज द मेन थिंग। वो करके हम प्रदूषण को भी मात देंगे, विकास को भी बढ़ावा देंगे, पर्यावरण की रक्षा भी करेंगे। यही हमारे लिए लक्ष्य है और उसी को लेकर हम आगे जाएंगे। थैंक यू सर, आपने अपना टाइम हमें दिया। बहुत अच्छा।